ये है साक्षी की सहेली नीतू, जिसके घर में साक्षी बीते 15 दिनों से रह रही थी। नीतू का कहना है कि वो साक्षी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। नीतू ने बताया कि साहिल अक्सर नीतू को धमकियां देता था। 27 तारीख को उसने मुझे बताया था कि दीदी मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैं बातचीत नहीं करना चाहता। उसने ये बताया था कि वो मुझे जान से मारना चाहता। तो फिर मैंने यूं बोला, चलो 100 नंबर कर देते हैं, डिटेल देते हैं जाके पुलिस वालों को। तो उन्होंने यूं बोला कि अगर दीदी हम ये देंगे तो मम्मी पापा को खतरा हो सकता है, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़का कुछ भी कर सकता है, मम्मी पापा अकेले रहते। साक्षी के एक और दोस्त झबरू ने भी साहिल की पोल खोली है। झबरू वही दोस्त है जिसने साक्षी को एम्बुलेंस ले जाने में मदद की थी। उसके साथ सर 15-16 लड़के थे। कुछ नहीं, मैंने उसको यही बोला था, भाई लड़की को परेशान मत करो। आप अगर उस टाइम रहते तो क्या कुछ आप करते बचाने के लिए? मैं, मेरे को मरना मंजूर होता लेकिन उसको जान से मार देता मैं, मेरे को इतना पता। मैं अकेला भी होता जब भी, लेकिन वहाँ से बहुत से ऐसे पहलवान पलट पलट के भी देख रहे हैं, रुक रुक के भी देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। अदालत ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के मोटिव की हर पहलू से जांच की जा रही है।